अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं जाऊसा। पिछली वीडियो में मैंने माइक्रोमीटर पढ़ना सिखाया था और आज इस वीडियो में हम माइक्रोमीटर से तार कैसे चेक करते हैं और तार साइज कैसे मालूम करते हैं और किस जगह पर जाकर चेक करना है। ये हमारे पास है, ये इंचिंग में हमने चेक करनी वायर साइज और ये हमारे पास इंचिंग इंचिंग वाला माइक्रोमीटर है और इससे हमने वायर साइज चेक करनी है। पिछली वीडियो में मैंने ये पढ़ना सिखाया था और कैसे पढ़ते हैं और किस तरह इसका यूज़ करते हैं, और आज इसकी इस वीडियो में हमने वायर साइज चेक करनी है। वायर साइज चेक करने के लिए सबसे पहले हमारे पास चार्ट होना ज़रूरी है। चार्ट मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, होते एक जैसे ही, और चार्ट गूगल से बहुत सारे मिल जाते हैं जो कि मैंने चंद डाउनलोड किया, और इसमें हमने इंचिंग वाले डायमीटर लेना है। जो इंचिंग वाला ये डायमीटर इंचिंग है और ये हमने लेना है, ये पढ़ना है। हमारे पास इंचिंग में माइक्रोमीटर है, इंचिंग में ये हमारे पास ये साइज है और इस साइज के मुताबिक हमने तार से वायर साइज चेक करना। और ये जो डायमीटर है ये विद आउट नेमल के और कंडक्टर, सिर्फ इसमें कंडक्टर चेक होगा, ये नेमल के बगैर, और नेमल के साथ जो होगा उस विद नेमल के वो उसके लिए ये दूसरा डायग्राम है। और ये डायग्राम में ये इन्होंने लिखा है कंडक्टर डायमीटर। कंडक्टर डायमीटर से ये हमारी पहली लाइन आ गई SWG स्टैंडर्ड वायर गेज, और दूसरी जो लाइन है ये इंचिंग में है, और ये इंचिंग में ये भी विदाउट नेमल के है, और यहाँ आगे MM है, और जो हमने विद नेमल चेक करनी है वो ये फाइन कवरिंग डायमीटर है, इसमें ये इंचिंग है और इसमें चेक करना है। हमने बेहतर ये होगा कि हम विद आउट नेमल चेक करें, कंडक्टर सिर्फ चेक करें, वो इजी होकर चेक हो जाते हैं, उसमें कोई मसला नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं होता। चले वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये हमने साइड पे और हमने चेक करना है, ये हमारा सर्कल है, ये ऊपर वाला स्केल जो है ये हमारा सर्कल स्केल है, और इसके नीचे जो हमने पढ़ा था ये पिच स्केल है, और ये हमारा सर्कल स्केल होता है, ये नीचे इसका पिच स्केल होता है। चले इससे हमने ये कुछ तारे हैं, ये हमने तारे लिए, ये तार जो है नेमल के साथ है, और इसको हमने जलाकर चेक करना है। ये नेमल के साथ चेक करेंगे तो इतने नंबर, इतना कुछ चार्ट हमें याद तो नहीं हो सकता, लेकिन विद आउट जो इंचिंग डायमीटर है वो चंद हमने नोट करने हैं। हमें चाहिए भी होता है 16 से लेकर 40 तक, और कुछ ऊपर से देकर चेक करते हैं। ये हमने यहाँ से जला देनी है, जला कर चेक करनी है, और ये हमने जलाई हुई कुछ तारें ये हमने यहाँ से जला कर चेक करनी है, और ये हमने जला कर रखी हुई है, ये इधर से हमने जलाई हुई है, और जलाने के बाद किसी छुरी के साथ या किसी ब्लेड के साथ इसे नहीं चेक करना, ये इस तरह साफ कर लेनी, ये ऐसे सीढ़ी कर लेनी है, और हमने इसको यहाँ से चेक कर लेना है। और इस तरह हमारे पास गेज आ जाएगी, गेज माइक्रोमीटर डायमीटर इंच में है हमारे पास, और इंचिंग में हमने चार से देखना है। और चले इसमें कुछ नंबर ले लेते हैं, ये हमने नंबर चेक करना है, और ये हमने माइक्रोमीटर के साथ कैसे चेक करना है, ये हमने ये रख दिया एक साइड पर। चल यह हमारे पास आ गया, ये हमारे पास हमने यहाँ से लेना है, और ये हमने जैसे खोल देना, और इसको ये हमने यहाँ डाल दिया, और ये हमने यहाँ से घुमाना, यहाँ से नहीं घुमाना, ये हमने यहाँ से घुमाया, और ये हमारे पास आ गया, ये थोड़ा सा ये आ गया। यह हमारे पास
इंचिंग में नंबर आ गया, और ये हमारे पास पिच स्केल पर 0 0 के साथ आगे दो दो लाइनें नज़र आ रही हैं, एक दाढ़ी नज़र आ रही है और दूसरी जो लाइन है ये मध्यम से आ रही है। ये दोनों लाइनों को पढ़ेंगे तो ये 25 और 25 50, 50 पे आ गई, और ये 50 52 53 54 55, और ये 56 की लाइन आ जाएगी। और ये 56 पे ये हमने चेक करना है, ये 0.56 इंच आ गई, ये ऐसे हमने चेक की है, और ये हमने पढ़ना है यहाँ से ये दो लाइनें यहाँ आ जाएंगी पेच सर्कल पर, और ये दो लाइनें 25 और 25 50 की आ गई, और ये यहाँ हमारे पास 0 हो गया। ये यहाँ से 25 50 52 53 54 55, और ये होगी हमारी 56, और ये 56 के साथ हमारी हो जाएगी 0.056, ये हमारी होगी 17 नंबर तार। ओके दोस्तों, ये हमने चेक कर दोस्तों ये हमने चेक कर लेनी है 56, ये वायर साइज और ये डायमीटर, और ये हमारे पास आया था 56, और ये हमारे पास ये 56 ये आ गया, और इसके सामने आ गई वायर साइज 17, और ये हमारे पास आ गई 17। ओके दोस्तों, ये हमारी 17 नंबर चेक हो गई। अब आगे हमने चेक कर अब आ गया हमने नेक्स्ट बार चेक करनी है, तो ये हमने चेक कर लेनी है, ये हमारी ये यहाँ से हमने कर लेनी है, यहाँ से ये होगी स्लिप, और ये हमारे पास आ गई गेज, और ये हमारे बिल्कुल ये आगे हमने चेक करना है, और ये हमारे पास ऐसे ऐसे आ गई, और ये हमारे पास ये बिल्कुल सामने एक आशिया नज़र आ रहा है बिल्कुल, ये पिच स्केल पर एक आ गया, और ये इसे पढ़ना है 25, और आगे ये 20 21 22 20 को ऐड कर लेना, 20 ये 25 और 20 45 हो गए, 45 46 47, और ये 48, और 48 पे हमारे पास आ जाएगी 18 नंबर तार, ये 0.048 होगी, और ये हमारी स्टैंडर्ड वायर गेज होगी SWG, हमारे पास आ गई 18 नंबर। ओके दोस्तों, आप हम चार्ट पे इसको चार्ट पे देखें तो ये हमारे पास आ गई 48, और ये हमारी देखें ये हमारी स्टैंडर्ड वायर है और डायमीटर, और ये हमारा 48 हो गया। और अब आ गया हमने चेक करना नेक्स्ट नंबर, और ये हमने नेक्स्ट नंबर चेक कर लेना है, और ये हम जो भी नंबर चेक करने हैं जो जिस तरह चेक करने हैं ये आगे हमने चेक करना है, ये इसी तरह चेक करना है, ये देखें ये हमारे पास आगे ये इस तरह हमने चेक कर लेना, ये होगी स्लिप, और इसी तरह ये हमारे पिच स्केल पर एक लाइन नज़र आ रही है, इसे पढ़ना है 25, और ये आ गया हमारे पास 15 25 और 15 40, और ये 41 42 43, और ये 44 हो गया, ये 44 नंबर, ये ऐसे नज़र आ जाएगा, ये देखें ये 0 के सामने आया ये 44, और ये हमारी एक लाइन नज़र आ रही है, और ये 25 की और ये 15 की हो गई, ये 25 और जमा 15 ये हो गए 40, और ये 41 42 43, और ये 44, ये 44 हमारी 0.0 होगी माइक्रोमीटर गेज इंचिंग में, और ये हमारा जिसका वायर साइज जो है इसका 18.5, यानी ये हमारे पास आ गया 18 से 1/2। और इसको चार पर हम चेक करें तो ये आ जाएगा ये 0.5, ये आ गया 18.18 और 0.44, ये हमारा 18.5 नंबर आ गया। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और साथ ही बेल आइकॉन को भी ऑन कर लो, और ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। ओके दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक लिए खुदा हाफिज़।